होटार से हम लोग 4-5 किलोमीटर अंदर आए होंगे क्या? हाँ भाई, सुबह से इधर उधर घूम रहा हूँ और एक सैलून तक खुला हुआ नहीं, लेकिन आज कैसे भी करके बनाना ही है। आप डालते जाइए, निकाल निकाल फेंक रहा है भाई। ना हम लोग लगभग 350 का सामान लिया और एक बोरा। तो हम लोग आए थे दी ओपन फील्ड, लेकिन शायद बंद है, तो कुलदीप गया है पूछने के लिए। पैसे वो बचाता है जिसे डर हो कि कल वो पैसे कमा पाएगा या नहीं। मैंने सब खर्च कर दिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भाई सुबह से इधर उधर घूम रहा हूँ और एक सैलून तक खुला हुआ नहीं, लेकिन आज कैसे भी करके बनाना ही है। अभी देखते हैं कोई सैलून खुला होगा तो बनवाएंगे, नहीं तो कैसे भी करके आदम जमाना वाला स्टाइल अपनाएंगे, पत्थर उत्थर से काट उठ देंगे हम बाल वाल। सो फाइनली अभी दाढ़ी वाढ़ी बनवा लिए, थोड़ा ठीक लग रहा है, छोटा ज्यादा नहीं करवाए, एवरेज। और बाल भाई, दाढ़ी वाढ़ी भी मूछ मूछ पक गया है। पता नहीं क्या हो रहा है खाना पीना। चलो चलते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, नहाते हैं, कल भी नहीं नहाए थे तो अभी नहाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि बंदी है पूरा टाउन में, भी ज्यादा दुकान उकान खुला नहीं है, सैलून और सब्जी उब्जी का दुकान ही बस खुला हुआ है। तो सैलून तो खैर खुला था, मिल गया, और सुबह सुबह तो वो भी बंद करा दिए थे, बाद में फिर ये लोग खोला, तो अभी जाके हम लोग बनवाए। फर्स्ट टाइम जब गए थे उस समय खुला भी नहीं था, तो फोन नंबर लेके रखे हुए थे, तो बोला कि खोलेंगे थोड़ी देर में, तो खोला, तो अभी जाके बनवाए हैं भाई, अभी चलते हैं नहाने वहाने। A few inches later. तो गाइस, तो अभी हम लोग लाए हैं इतना सारा बीज, अभी ये सबको हम लोग इधर छत के ऊपर लगाएंगे। तो इधर पहले लगा हुआ था धनिया पत्ता वगैरह, तो अभी वो सबको हटा चुके हैं वो तो पहले वाला। अभी इधर खीरा है और ये पपीता का पेड़ है, छोटा ही वाला पपीता पेड़, इसका हम लोग यहाँ पौधा उगाएंगे, उसके बाद फिर उसको नीचे हम लोग ग्राउंड में ले जाएंगे। और ये टमाटर वगैरह है। बीज हम लोग ज्यादा अंदर डालेंगे नहीं तो फिर उसको निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग ऊपर ऊपर ही बीज को रख। आप डालते जाइए, निकाल निकाल फेंक रहा है भाई। और इसमें दे देते हैं टमाटर। ये 80 रुपया का बीज है, बस इतना सही मिला है। तो हम लोग आए थे दी ओपन फील्ड, लेकिन शायद बंद है, तो कुलदीप गया है पूछने के लिए, होटार में है ये। तो अब चलते हैं हम लोग वापस घर, क्योंकि बोल रहा है कि बुकिंग में सिर्फ खुला हुआ रहता है, तो अब निकलते हैं घर, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ही आए थे हम लोग। अभी चलाते हैं हम लोग पहाड़ में। तो अभी आ चुके हैं हम लोग वापस घूम घाम के दी ओपन फील्ड से, क्योंकि वहाँ पे बुकिंग में ही वो लोग सिर्फ देता है, रात में अगर टेंट वेंट में रुकना है तो वो भी वो लोग व्यवस्था कर देता है। 1500 रुपया बोला ना, 1500 रुपया बोला पर नाइट। और ऐसे जाके आप लोग बोलोगे कि हम लोग इतना आदमी है, खाना वाना खाना है, तो वो भी वो लोग कर देता है। तो अभी हम लोग इधर उधर रोड है, वही रोड से हम लोग इधर चढ़ा के अभी यहाँ पहाड़ में थोड़ा देर टाइम पास करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे घर। तो यहाँ का मैं नज़ारा थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों की कैसा है, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे। ये जगह है, थोड़ा शांत शांत सा एरिया है, और इधर अपनी बाइक खड़ी है। जंगल वंगल है भाई पूरा, उतार से हम लोग 4-5 किलोमीटर अंदर आए होंगे क्या? हाँ। लो पिंटू भाई, तेरा हो गया। तो गाइस
कुलदीप को भी बोरा में सामान खरीदवा दिए हैं रिलायंस से, एक बोरा सामान। अभी सामान कितने का होगा? 5,000 का नहीं गाइस, 500 का भी सामान नहीं है। हम लोग यहाँ पे रुक गए थे थोड़ा सा रिलायंस का स्मार्ट बाजार में। अब चलते हैं हम लोग घर, देर कर लिए बकलोली चलते हैं। कितना हम लोग लगभग 350 का सामान लिया रे, वो बोरा बेटे बेटा माज कर दे। तो अब चलते हैं हम लोग घर और आज का वीडियो करते हैं समाप्त यहीं पे। तो बोरा लेके जाते हैं, फिर मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, जय हिंद।